खाते, रोग दोष जग निकट न जाते। संजन पुत्र महाबलधारी, संजन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ बधाई, लंका जारी सिया सुधराई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि हमारी जमीनी स्तर की टीम लगातार संघर्ष कर रही है, हमारी बहनें लगातार प्रयासरत है और एक ही उद्देश्य है कि थर्ड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ की जाए। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 पास लाडली बहनों ने आज तीसरे दिन लोक शिक्षण परिसर में सुंदरकांड पाठ के साथ किया सद्बुद्धि यज्ञ। लगातार तीन दिनों तक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लाडली बहनें निरंतर धरने पर बैठी हुई हैं और यह कह रही हैं कि हम पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, हमें 1000 नहीं रोजगार चाहिए। वर्ष 2018 की शिक्षक भर्ती अभी भी अपूर्ण है, जिसमें प्रथम द्वितीय चरण के बाद शेष बचे हुए पदों पर पद वृद्धि के साथ चुनाव के पहले ही नियुक्ति दी जाए। विभाग परिवर्तन के बाद जिन नामों की पुनरावृत्ति हुई उनकी जगह पर पात्र अभ्यर्थियों के लिए जहाँ EWS वर्ग के पद आधे से ज़्यादा रिक्त हैं, जिन्हें पूर्ण किया जाए। पात्र अभ्यर्थियों ने धरना नियंत्रण जारी रखने का प्रण लिया है। इस आयोजन में EWS संघ के अध्यक्ष श्री धीरज तिवारी, प्रदेश संयोजक रचना ब्याज जी, रक्षा जैन जी, ऋषभ गुप्ता जी, धर्मेंद्र बघेल जी, निधि पुरोहित जी सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों से आए पात्र अभ्यर्थियों ने सरकार को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है और पद वृद्धि के साथ वर्ष 2018 की शिक्षक भर्ती पूर्ण कराने की प्रार्थना की है। आज सद्बुद्धि यज्ञ किया है और आज रात DPI के भारी रुके हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारी जमीनी स्तर की टीम और बहनें लगातार प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं दोस्तों, और DPI से लेकर हमारे नेतागण से लेकर भगवान तक सबसे वो गुहार लगा रही हैं कि पद वृद्धि के साथ थर्ड काउंसलिंग हो, जिससे कि उन्होंने जो उनका हक है वो मिल जाए दोस्तों, और उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक इस वीडियो को पहुँचाएँ दोस्तों, जिससे कि हमारी जमीनी स्तर की टीम के मनोबल ऊंचा रहे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं और हो सके तो आप भी इसमें सहयोग करें दोस्तों।